नमस्कार, गुड मॉर्निंग अर्गो सुपरफास्ट को स्वागत करछु। स्वप्ना आरंभ करबा खबर अभियान। फेब्रुआरी पहिला जाय बंद रहिबो गंजाम जिलार समस्त धार्मिक पीठ, मठ, मंदिर, चर्च और मस्जिद जनसाधारण निमंते बंद रहिबो। कालीठारु लागू हेबो एही कटकणा। जिला मजिस्ट्रेट और म्युनिसिपालिटी कमिश्नर द्वारा एही नियमर अनुपालन दिगरे दृष्टि रखाजिबो। यार उल्लंघन करथुबा व्यक्तिंकु विपर्यय परिचालना आईन अनुजाई दंडित मध्य कराजिबो। तेज संपर्कित अधिक सूचना देवे ब्रह्मपुर प्रतिनिधि पीताम्बर नाहक फोन इन आम सहित जोड़ी होती। पीताम्बर जदि कह गोटे पटे राज्य में कोरोनार स्थिति चिंताजनक रही, कहीं दिनक दिन पॉजिटिव संख्या द्रुत गति में वृद्धि पाई, से परिप्रेक्षी में गंजाम जिले में समस्त धर्मानुष्ठान बंद कर अधिक अपडेट कौन रही पीताम्बर? निश्चित भाव जो सारा राज्य में वर्तमान कोरोनार ग्राफ बढ़िवे लगी, विशेष कर गंजाम जिले में आस्ते आस्ते बढ़ुची, तो याकु नेकी वर्तमान समय रे से तरतारिणी पीठ हो किंबा मां परिसपुराणी को पीठ हो किंबा सिद्ध भैरवी मंदिर हो, ये सब प्रसिद्ध मंदिर रे भक्त मानकर प्रबल जनसमागम मध्य देखा मिलूछि। जेहेतु शीत ऋतु चली राज्य तथा राज्य बाहर मध्य अनेक भक्त आछन्ति, तो याकु नेकी जिला प्रशासन पक्षर गतकाली गोटे पदक्षेप निया जाइछे। जिले में जेतिकी मंदिर अछि जेतिकी धर्मानुष्ठान अच्छी सब बंद कर फेब्रुआरी पहला पर्यंत बंद कर आसंता काली बंद फेब्रुआरी पहला पर्यंत। तो जिला प्रशासन ये पदक्षेप नहीं केवल जो मंदिर पूजक कम्युनिटी एमती किसी लोकों द्वारा रीतनीति किंतु कौन सी मात्रा रे यात्री मानू मंदिर भितर को प्रवेश करने अनुमति न दिज। अन्यपटे जे खिलाफ करे तो ताकु नेकी मध्य दंडित करा जीव बोली मध्य जिला प्रशासन पक्षर मध्य जणाइ दिया जायछि। निश्चित भाव पीताम्बर जहां अपन सूचना देउथले फेब्रुआरी पहिला जाय बंद रहिबो गंजाम जिलार समस्त धार्मिक पीठ, तबे पीताम्बर ए जो जिला प्रशासन रो निष्पत्ति को लोक माने किभळी स्वागत करछन्ती, लोक माने केते सचेतन अछन्ती? देखो कोविड कट जीवन एवं जीविका भितरे वर्तमान समय रे जनसमागम को तो बारण करा जाउछि सरकारों पक्षरु, एवं विभिन्न राज्य रे मध्य कटकणा आहुरी बलवत्तर करा गलानी। तो गोटे पटे लोक माने एहाकु ग्रहण करिवे तो निश्चित, किंतु किछि लोकंकर मध्य मनरे दुख रहउथिबो जे जेमुडी हाबर जेहेतु पर्यटन ऋतु चलीछि लोक माने मध्य निज निज योजना करथंती, तो एहिभली स्थिति रे जेहेतु कोविड रो मात्राधिक मध्य ग्राफिकल जो देखा प्रत्येक दिन में डबल डबल कोविड पॉजिटिव संख्या को आसुची, तो याकु नेकि लोक माने मध्य ग्रहण करबा पई जिला प्रशासन पक्षर मध्य अनुरोध करा जाइछि। निश्चित भाव जहाँ पीताम्बर आप सूचना देउथले फेब्रुआरी पहिला जाए बंद रहिबो गंजाम जिलार समस्त धार्मिक पीठ, एवं जो माने नियम उल्लंघन करथुबा व्यक्तिंकु विपर्यय परिचालना आईन अनुजाई दंडित मध्य कराजिबो बोली जिला प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जाइछि। धन्यवाद पीताम्बर आपणक समस्त अपडेट पई। राज्य में आरंभ हो नाइट कर्फ्यू, शुक्रवार राति 9 सब सहरांचल में नाइट कर्फ्यू लागू करा फलरे जोरदार चेकिंग आरंभ कर पुलिस। प्रति छक गाड़ी चेकिंग सह नियम उल्लंघनकारी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कर पुलिस। यह समय जेपरी दोकान बजार बंद सह केउंटी गहली न हेबो तापर स्वतंत्र नजर रखाई। कोरोना कटकणा लागू और कार्यानुष्ठान व्यापक पुलिस फोर्स नियोजित होती, मोबाइल पेट्रोलिंग कड़ाकड़ी, विशेषकर छक बजार अंचल गहली उपरे नजर रखुची पुलिस। पुणी बंद हेबो श्रीमंदिर, कोविड संक्रमण वृद्धि जोगु आसंता सोमवार ठारु भक्त पाई श्रीमंदिर बंद करिबाकु निष्पत्ति निया जायछि। छतीसा निजोग ओ श्रीमंदिर प्रशासनक बैठक में बंद निष्पत्ति निया जायछि। जनवरी 31 तारिख जाए श्रीमंदिर को भक्तंक प्रवेश उपरे कटकणा लगा जायछि। देश में अनायत होबारे लागिछि कोविड संक्रमण, संक्रमण वृद्धि को दृष्टि रखी केन्द्र सरकारों पक्षर कटकणा लागू कर सतर्क रही 19 देश को आसुवा यात्री प्रति स्वतंत्र दृष्टि देवाक केन्द्र सरकार। महामारी को दृष्टि रखी 19 देश आसुवा व्यक्ति रिक्स कैटेगोरी रखी यात्री स्वतंत्र दृष्टि दिजो, या सहित यात्री कोविड जांच करने और संगरोधे रहीकमूलक। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देश, फ्रांस, जर्मनी,
चीन दक्षिण आफ्रिका नाइजेरिया भली देशरु आसुथिबा व्यक्तिंको उपरे स्वतंत्र दृष्टि रखदेबाकु केन्द्र सरकारंको पक्षरु विमान बंदरगुडीकु निर्देशावली जारी करा जायछि। शुक्रवार देशरे 117,000 नुआ संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। यासह देशरे सक्रिय मामला मध्य वृद्धि पाउछि। राज्य में कमी शीतर प्रकोप। उपकूल ओडिशा रे राती तापमात्रा स्वाभाविक ठारु 0.4-0.6 डिग्री अधिक थिबाबले आभ्यंतरीण ओडिशा रे 2-3 डिग्री जाए अधिक रही। तेज फुलबाणी सर्वनिम्न तापमात्रा 10.5 डिग्री रेकर्ड होती। वर्तमान ओडिशा उपकूल में पानीपागर कौन निर्दिष्ट प्रभाव नथिबा बेले 9 तारीख जाए पाग सुखिला रहिबो बोली आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछि। तेबे अफगानिस्तान अंचल रे सृष्टि होइतिबा पश्चिमा झड़ प्रभाव रे राज्य रे 10 तारीख परठु वर्षार परिमाण बढ़िबाने आशंका करा जाउछि। 10 तारीख रे पश्चिम ओडिशा रे किछि स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा ओ पार्श्ववर्ती जिला मानकर वर्षार संभावना रहिछि। तेबे 11 तारीख बेलकु आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षार परिमाण बढ़िबो तेणु अमल होइतिबा धानकु सुरक्षित स्थानकु नेइजिबाकु पाणिपाग विभाग पक्षरु सतर्क करा जाइछि। बीजेडी नेतांकु अंडा माड़ मयूरभंज रे मंत्री सुदाम मारांडी एवं विधायिका बासंती हेम्ब्रम को कला पताका देखाइबा सह अंडा माड़ होईछि। सेपरि कलाहांडी रे नरला बीजेडी विधायक भूपेन्द्र सिंह को गाड़ी को मध्य अंडा माड़ होईछि। बीजेडी कार्यक्रम सारी फेरिबा बेले अंडा माड़ करा जाइछि। राज्यसभा सांसद सुजीत सेठ को गाड़ी को मध्य अंडा माड़ होईछि। नरला ब्लॉक उल्लीकुपा पंचायत कार्यालय सम्मुखरे नरला कांग्रेस युव संघ तरफु एहि अंडा माड़ करा जाइछि। भारतीय अर्थव्यवस्थापी भल खबर। कोरोना महामारी मध्य देश में अर्थव्यवस्थापी आसी आश्वस्तिकर खबर। कृषि एवं मानुफैक्चरिंग क्षेत्र में उन्नत प्रदर्शन में देशर आर्थिक अभिवृद्धि हार आर्थिक वर्ष 2021-22 9.2% रही अनुमान। 2020-21 वृद्धि हार 7.3% ह्रास घटी। भारतीय परिसंख्यन कार्यालय एने सूचना देछि। जीडीपी वृद्धि हार 2021-22 9.2% रहिबो अनुमान करिछि परिसंख्यन कार्यालय। सेपरि 2021-22 जीबीए 135.22 लाख कोटी टंका हेबो बोली अनुमान करा जाइछि। 2020-21 124.53 लाख कोटी टंका थिला। एहा पछर प्रमुख कारण थिला कोरोना एवं लॉकडाउन। निजर ट्विटर प्रोफाइल रे फोटो बदलाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नुआ रूप से नजर आसला प्रधानमंत्री ट्विटर अकाउंट। सद्यमत फोटो रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ तो जोड़ी नजर आसछंती। या पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर हैंडल रे 100 कोटी कोरोना वैक्सीन संपर्कित एक फोटो लगता। यहाँ प्रधानमंत्री अक्टोबर मसने लगे और प्रोफाइल फोटो को प्रधानमंत्री बदलाई। प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर में दुनिया सबुठ लोकप्रिय नेतातम। वर्तमान तांकर फॉलोअर्स को संख्या 74 मिलियन रु अधिक रही। से सामाजिक प्लाटफर्म रे प्राय 2500 लोक अनुसरण कर। मलकानगिरी जवान को मिली सफलता। सर्च ऑपरेशन समय आंध्र सीमांत कोरीगंदी गां निकट जंगल में माटी तले पोता जाइथिबा माओ सामग्री सह 5टी अत्याधुनिक आईडी 2टी चाइना निर्मित बायनाकुल एवं इलेक्ट्रिक तार जबत होइछि। गुइंदा सूत्र खबर मिलबा परे बीएसएफ जवान पक्षर सर्च ऑपरेशन आरंभ होइथिला। तेबे जबत आईडी को निष्क्रिय करा जाइथिबा बेले माओवादी पाख को चाइना निर्मित बायनाकुलर केउठु आसला ताहा बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। आसंता 10 तारीख रु केवल विसी रे चलिबो हाईकोर्ट। फेब्रुआरी 4 तारीख पर्यंत ही व्यवस्था चलिबो। 50% लोकंकु नै चलिबो हाईकोर्ट कार्यालय। रोस्टर भितरे काम करिवे एही कर्मचारी। ई फाइलिंग पोर्टल रे ग्रहण हेबो मामला। 10:30 रु अपराह्न 2टा मध्यरे ड्रॉप बॉक्स रे मध्य आवेदन करिवो। कोविड संक्रमण ओमिक्रॉन वृद्धि को नै हाईकोर्ट पक्षरु नोटिस जारी करा जाइछि। स्कूल सूचना नपाई परीक्षा देवारु वंचित हेले छात्री। बालेश्वर जिला खैरा ब्लॉक अधीन अड़ा सरकारी उच्च विद्यालय जणे 10म श्रेणीर छात्री परीक्षा होता सूचना नपाइव
परीक्षा देवारु वंचित होती चलित बर्ष मैट्रिक परीक्षा चलता बेले परीक्षा शेष होले सिमुलिया ब्लॉक अड़ा चारिघरिया गांव गुरुबारी सिंह नामक जड़े दशम श्रेणी छात्री परीक्षा दे न स्कूल तरफ सूचना नपाइवा जो परीक्षा देवार वंचित तेज संपुक्त छात्री और परिवार एने अभोग कर छात्री जनक आदिवासी श्रेणीर होता बेले घरे मोबाइल किंवा टीवी नथिबा जोगु से परीक्षा होता जान नथिले। मयूरभंज जिला ड्राइवर संघर साधारण परिषद बैठक ररुआ ब्लक अनुषित बैठक में जिलार 26 ब्लक ड्राइवर माने जोग देते ड्राइवर मानक विभिन्न समस्या उपर आलोचना करा सहित सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय आलोचना करा ररुआ ठारे जगन्नाथ मंदिर परिसर एक विराट लाली रे नगर परिक्रमा कर सभास्थल में पहुंचा पर सभा कार्य आरंभ होता जिलार कोण अनुकोण आसता ड्राइवर माने निज निज मत रखिथिले। स्वामी दुकान सम्मुखें धारण में बसिले स्त्री यहपरी एक घटना देखा मिली धर्मशाला थाना जारका बजार रे डलिस्मिता साहू 2 वर्ष तले नेउलपुर अरविंद राम को विवाह करते बहार 6 मास पर मन मालिन्य जो उभय पृथक रही आसुले तेरे कोर्टू न्याय मिलबारे विलंब जो न्याय दाबी स्वामी दुकान सम्मुखें धारणा देते महिला पर पुलिस बुझासुझा कर महिला थाना को अनुगुल निशा थाना निकटरे बस दुर्घटना दुर्घटन गाई चराली मृत्यु तेरे बस रिवा 30 यात्री अल्पके बर्ती जाती शुक्रवार संध्या समय 30 श्रमिकों नहीं बस टी आसुवा बेले दुर्घटना घटी पुलिस घटनास्थल में पहुंच तदंत चल पारिवारिक कलहर करुण परिणति स्त्री को हत्या कला मद्यप स्वामी ढेंकानाल तुमुसिंगा थाना पंठुआ गाँव में घटी एभली हत्याकांड उभय स्वामी स्त्री किछि दिन धरी कलह लागि रहिथिला तेबे गुपचुप तयारी कलह हेबारु स्त्री को हत्या करिछि अभियुक्त राम चौधरी अभियुक्त को पुलिस अटक रखा सह घटनार तदंत चलाइछि। गंजाम खलिकोट थाना बालुकेश्वरी गांव में क्रिकेट मैच को केन्द्र कर हत्याकांड मामला 3 अभियुक्त को गिरफ्त कला खलिकोट पुलिस अभियुक्त माने हेले अमित स्वाई राजेन्द्र पाहान और जगन्नाथ प्रधान 23 नवेम्बर में अभियुक्त को ठेंगा माड़े झड़िया प्रधान को मृत्यु होता। गंजाम खलिकोट थाना समलगाँव बधु हत्या मामला थाना रे अभियुक्त स्वामी अटक जौतुक शाशु घर लोके तपस्विनी को हत्या करथिबा अभियोग होइछि मामला रे पुलिस अभियुक्त सागर जाली को अटक रखी पचराउचरा करुछि। खोर्धा बोलगड़ थाना देउली रे मिथ्या सत्यपाठ दे नेहरू युवकेंद्र रे चाकरी अभियोग दुर्गाप्रसाद गांवर निहार रंजन साहू मिथ्या सत्यपाठ दे चाकरी करथिबा अभियोग होईछि एनि जिलापालंक निकटरे अभियोग सह घटनार तदंत दाबी होईछि। पंचायत निर्वाचन नहीं अनिश्चितता राज्य में कोविड संक्रमण बढ़ुथिबारु बैठक डाकिले राज्य निर्वाचन कमिशन आज दिन 11 राज्य सरकार एने आलोचना हेबो बैठक में मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप कुमार जेना और स्वास्थ्य विभाग दायित्व में थिबा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजकुमार शर्मा जोगदेवे तेज संपर्कित अधिक सूचना देवे भुवनेश्वर प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती आम सहित फोन इन जोड़ी होती दिव्य पंचायत निर्वाचन पर समस्त प्रस्तुति शेष पर्यायर वर्तमान निर्वाचन हेबो ना एथिरे ब्रेक लगे दिव्य देखो स्वप्ना निश्चित भाव में पंचायत निर्वाचन प्रस्तुति संपूर्ण भाव शेष होती समस्त जिला गुडी को पंचायत निर्वाचन जहां जहां आवश्यक रही सरंजाम पठा जा सारी जमीक बैलेट बक्स हो कि काली हो कि जेकोसी सरंजाम आवश्यकता रही से सबको पठाई दिखाई पंचायत निर्वाचन लगी खुब शीघ्र सब बैठक रही आसंता 10 तारीख सब बैठक रही
12 ତାରିଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବୈଠକ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବୈଠକ ରହିଛି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରମୁହା ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 2700 ସଂକ୍ରମଣ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ତାଦ୍ୱାରା କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ସଂକ୍ରମଣ କେତେ ବଢିବ, ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିନ 11 ସମୟରେ ଏହି ବୈଠକ ରହିଛି। ତୋଷାଳି ଭବନରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେଠାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରାଜକୁମାର ଶର୍ମା ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମତ ଲୋଡ଼ାଯିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏବଂ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୁଏତ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତ ଦଳ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେବ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ବା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବା କିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହୁଏତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା କଟକଣା ଭିତରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ ହବ, ଆଜି ବୈଠକ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମୋହର ମାରିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହୋଇଛି, କାହିଁକି ନା ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଏପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନ 11 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ପୁରୀ ବାସଳି ସାହି ଥାନା ଓ ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱର ଠାରୁ ମାତା ମଠ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ନେଇ ଆସୁଥିବା 5 ଜଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କଠୁ 140 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ଧଳା ଜହରର ମୂଲ୍ୟ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 50,100 ଟଙ୍କା, 2ଟି ଗାଡ଼ି ଏବଂ 5ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଡ଼ିଶା ଗୋଦା ଥାନା ସୁନାଖଳାର ଅନୁ ଓରଫ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଜୟସିଂ, ପୁରୀ ଗୁଡ଼ିଆ ସାହିର ରବି ନାୟକ, ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ସାହିର ବୁଧିଆ ସ୍ୱାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାୟ ବିଧାରର ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ବିଜିପୁରର ଦୀପୁ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ସହରକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପେଡ଼ଲିଂ କରୁଥିଲେ ପୁରୀ ସହରରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 140 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି, 50,100 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଜବତ ହୋଇଛି, 5ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଟାରା ବ୍ରେଜା ଗୋଟେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଜବତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହୋଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଜୟସିଂ ଏଲିଆସ୍ ଅନୁ ବୋଲି, ସିଏ ଗଡ଼ିଶାଗଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର, ସିଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ସହରକୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସପ୍ଲାୟର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି କରିବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୋର୍ସେସ୍ କେଉଁ ଯେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେହି ସୋର୍ସକୁ ବି ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ସଂରକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା 54% ଅର୍ଥାତ୍ 2.5 କୋଟି। ଗତ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓବିସି ପ୍ରାର୍ଥୀ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଓବିସି ବର୍ଗ ମିଶି ଏହା 94%। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ବିଜେପି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି ହୋଇଛି। ସ୍ତରରେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓବିସି 54% ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ନ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା, ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦାବି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବର୍ଗ 54% ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସଂରକ୍ଷଣ କର,
दुई मस तीन मस डेरी जापे आग संरक्षण कर तापर निर्वाचन ओल्हा आम दाबी कर सारा ओडिशा रे 54% संख्यार लोक थे आमको पंचायत इलेक्शन पूर्व वंचित करवा एकदम दुखदायक एवं दयनीय से सारा ओडिशा रे आम ओबीसी मोर्चा आंदोलन कर राजरास्ता को ओल्लब जब पंचायत इलेक्शन पूर्व यह पूरण न करा जाए रिजर्वेशन बस्ती उच्छेद करिबा पूर्वरु थैथान दाबी कलाहांडी जिलार भवानीपाटना सहरले थिबा सीताबुर्तीपड़ा वार्ड नंबर 2 कोड़ीर ऊर्ध महिला भवानीपाटना पौरपालिकार निर्वाही अधिकारी भेटी एक दायीपत्र प्रदान करिसंती प्रकाश जे 2016 मसियारे बस्ती बासिंदांकु उच्छेद करा समय किछि परिवार थैथान होइथिबा बेले कोड़ीर ऊर्ध परिवार सीताबुर्तीपड़ा रे ही रहुथिले ओडिसा सरकारंक बस्ती आईन 2017 अनुजाई पौरपालिका द्वारा सीताबुर्तीपड़ार सर्भे कराजाई पट्टा प्रदान करने निमन्ते तालिका प्रस्तुत करा किछि परिवारंकु योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान करा किंतु वर्ष वर्ष धरी सेमानंकु थैथान करा जाउ नाही वर्तमान थैथान दाबीरे पौरपालिका ऑफिस सम्मुखरे विक्षोभ प्रदर्शन करा जाय छी प्रथम जतबेले आउछि सेतबेले एटा गोटे सरकारंकर गोटे घोषणा लोकंकु दिया जीव बोली आपण देखुथिबे विभिन्न बस्ती रे किछि किछि लोकंकु पट्टा दिया जाय छी सेठी गोटे गोटे होर्डिंग लगा हे छी जगा मिशन ना रे गोटे तार गोटे एडवर्टाइजमेंट करा जाउ छी किंतु प्रकृत रे लोक पाइ पारु नाहंती जो हक पाइबा कथा महिला माने कि लोक माने जो बस्ती बासिंदा माने सेटा दिया जाउनि हम तो कुली कले कुली भूति कले खौचू नै हेले नै खाबार हम केने पाइमु जे बड बिल्डिंग घर पाइमु आर बनामु हम तो खूब खूब भरी धुबी हमर छुआ माने छोट छोट छन हम काम करी करी भी खाई पारु नै जदि मनुष काम करी हेले तो खौचू नै हेले नै हेतिर का जे हम नै के इडा प्रशासन के कहवा के आई जे पर्यंत सरकार हम के नहीं के व्यवस्था नहीं करी चन ये जगह छाड़ी किना अन्य जगह भी थैथान नहीं करी चन हम के घर नहीं दी चन इंद्रावास घर नहीं देवे पानी नहीं देवे जल विद्युत नहीं देवे ये जिनिस मन हम के नहीं देला पर्यंत हम जगह नहीं छाड़ी जहाँ भी जो हम जगह नहीं छाड़ी